sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल चॉइस चॉइस। मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा एनसीईआरटी मैथ बुक सिक्स्थ ग्रेड एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 5, जिसका नाम है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोस रॉन्ग। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है बुक से, मैं अभी आपको बुक से बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है 3, 2, 6। तो आप वो कंपास का यूज़ करके एक सर्कल खींच रहे हैं, या तो फिर आप किसी अदर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से क्लॉक बनाना है, 12, 6, 3, 9। ओके, अब आपको क्या करना है, 1, 2, 3 है ही, 4, 5, 6 आई गेस, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, हमारा क्वेश्चन बोला है 3 to 6। तो आपको कुछ इस तरह लाइन खींच लेनी है, 3, 2, 6। अब आपको सिंपली, जैसे कि आपको पता होगा, राइट RAGHT राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, इक्वल टू राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जो एकदम करेक्ट 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मेनली इसी तरह होता ही है, या तो फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं राइट एंगल, बस वो 90 डिग्री का होना चाहिए। आप इसको प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, और आप अगर फेयर में करें तो आपको स्केल का यूज़ करना चाहिए। तो अब आपको कुछ इस तरह कर लेना है और सिंपली लिख देना है 1 RAGHT राइट एंगल ANGLE। तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल टू 1 राइट एंगल। आप पूछेंगे 1 राइट एंगल कैसे बना, ये सिंपली जहाँ पे ऐसे बनता है इस तरीके से 90 डिग्री, अगर आप प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो आपको देख लेना है, जब 90 डिग्री बन जाए तो राइट एंगल होता है, तो 1 राइट एंगल आपका आंसर आ गया सिंपली। सो फ्रेंड, जो हमारा बी क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, वो है 2 to 8। सो जो हमारा ये क्वेश्चन है 2 to 8, तो इसके लिए आपको फिर से सर्कल ड्रॉ करना है, उसका सेंटर ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको पार्ट ऑफ सर्कल आगे चल के बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको सेंटर ड्रॉ कर लेना है, सेम टू सेम 12, 6 आमने सामने होने चाहिए, और इधर आपको लिखना है 9, 3। ओके, अब आपको इस जगह लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आपको क्लॉक का हैंड्स बनाने हैं 2 to 8 की तरफ, कुछ इस तरीके से। ओके, अब आपको पता करना है कि कितने राइट एंगल हैं। तो सिंपली जैसे कि अभी आप जानते होंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट STRAIGHT एंगल ANGLE इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, और एक राइट एंगल 90 डिग्री। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये और ये 2 times कट जाएगा सिंपली। तो इसमें आपका क्या आएगा, इसको मतलब आप इस तरह भी देखें, 9 1 9 9 2 80 91 90 92 जा 180। तो आपका सिंपली 2 parts हो गए, 92। ओके, तो आपको लिखना है 2 RAGHT एंगल ANGLE। अगर आप स्ट्रेट एंगल का सम करेंगे, 180 डिग्री को अगर आप डिवाइड करेंगे 90 डिग्री से, जो कि एक राइट एंगल की राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो सिंपली नॉर्मली आपका 2 आएगा, 2 राइट एंगल आपके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड।